हेलो दोस्तों, इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन एकेडमी पर सभी का स्वागत है। कहते हैं कि कभी कभी मोहल्ले में एक व्यक्ति होता है जो सबको धमकाता रहता है, सबके घरों पर कब्जा करने के लिए उतारू रहता है। कभी किसी के यहाँ से थोड़ी जमीन छेड़ ली गई किसी के यहाँ पे, गांव में ऐसा अक्सर होता है। एक व्यक्ति ऐसा जरूर होता है जो हर जगह से थोड़ा थोड़ा अपना खेत बढ़ाता जाता है। अगर पूरे विश्व की हम बात करें तो एक देश ऐसा है जो इसी नीति पे काम करता है, इंच बाय इंच जो है वो बढ़ने की कोशिश करता है, दैट इज चाइना। और चाइना की एक नीति है, वन चाइना नीति। और इस नीति के तहत चाइना जो है वो ताइवान को अपना हिस्सा मानता था, लेकिन ताइवान ने अब उसके तरफ तिरछी नजर से देखना स्टार्ट कर दिया है, टेढ़ी नजर से देखना स्टार्ट कर दिया है और सीधे सीधे ताल ठोकने की नौबत आ गई है। आज हम बात करेंगे इसी पर कि ताइवान ने अपने देश में कुछ सैन्य अभ्यास को बढ़ावा देना स्टार्ट कर दिया है ताकि वो चाइना से निपट सके। बट फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज योगेंद्र सिंह वर्मा। मैंने बीटेक किया है बीटेक कानपुर से, एसएससी सीजन 2017-18 का टायर 3 दिया है, यूपीपीसीएस ग्लोबल का इंटरव्यू दिया है, आईबी का इंटरव्यू दिया है, रेलवे एनटीपीसी का साइको दिया है और 6 साल का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है। अगर अभी तक आपने अन अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड भाई जरूर कर लो, क्योंकि यहाँ पे मिलेंगे आपको लाइव वीडियो कोर्सेस, इसके साथ साथ में जो है रिकॉर्डेड वीडियोस, बेस्ट एजुकेटर जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्वालिटी एजुकेशन, पीडीएफ, क्विजेस, बहुत कुछ। तो भाई डाउनलोड तुरंत कर लें। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम के पास ज्वाइन नहीं हुए हैं तो ज्वाइन जरूर हो जाए, टेलीग्राम डाउनलोड कर लें। और इससे होगा क्या फायदा? फायदा ये होगा कि जैसे ही टेलीग्राम पे कोई वीडियो आएगा आपको पता चल जाएगा, आप उसमें जुड़ जाएंगे। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट वन। अगर अभी तक आपने एसएससी एग्जाम का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, सोच रहे हैं पढ़ने का, सोच रहे हैं, वैसे तो पढ़ने के लिए सोचना नहीं चाहिए इंसान को, पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। पढ़ने को लेके किसी तरह की कंजूसी नहीं करनी चाहिए। बचपन में जब मैं होम ट्यूशन मतलब पढ़ने जाता था, थर्ड क्लास में था, फोर्थ क्लास में था, तब तो हमारे मास्टर साहब जो थे वो 300 रुपए पर महीने लेते थे। और सोचिए कितने सालों के बाद, लगभग 20 सालों के बाद या जो है वो फिर से जो है वो कितनी क्लास जो है कितनी जो है फीस हो गई है, 300 रुपए पर मंथ। तो 300 रुपए पर मंथ में आप हमारे साथ पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर दूसरी जो 12 महीने की फीस है वो 500 रुपए पर मंथ है, याद है? लेकिन अगर आप मेरा कोड अप्लाई करेंगे दैट इज योगेंद्र, तो योगेंद्र से आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट और आपकी जो फीस है वो हो जाएगी 5,400 रुपए और 24 महीने की जो फीस हो जाएगी वो 6,480। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। सेशन क्या है? लाइव फायर एक्सरसाइज। अभी जो लाइव फायर एक्सरसाइज है ये कहाँ पे स्टार्ट हुई है? तो ये ताइवान में स्टार्ट हुई है। क्यों स्टार्ट हुई है? इसका बड़ा रीजन ये था कि चाइना एग्रेसिव तरीके से ताइवान पे अपना हक जमा रहा था। तो दक्षिण सागर, चीन सागर में चीन के साथ उपजे तनाव के बीच ताइवान ने लाइव फायर एक्सरसाइज सैन्य युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। इस युद्ध अभ्यास में ताइवान की जो आर्मी है, जो नेवी है, जो एयरफोर्स है, इसने अपने ताकत का प्रदर्शन किया कि भाई देखो हम आपसे कम नहीं है, हम आपसे पीछे नहीं है, डट के मुकाबला करेंगे, हार जाएंगे लेकिन इतना बड़ा घाव कर देंगे कि जिंदगी भर उसी के सारे बैठे रहोगे। एंड दैट इज जो ताइवान संदेश देना चाहता है, किसको? चीन को, क्योंकि चीन की एक नीति है वन चाइना नीति, जिसका ताइवान हमेशा से विरोध करता आया है। ताइवान के अकॉर्डिंग ताइवान इंडिपेंडेंट देश है लेकिन चीन उस पर अपना अधिकार जमाना चाहता है। इस सैन्य अभ्यास में लगभग 8,000 सैनिकों ने F-16 फाइटर जेट, स्वदेशी फाइटर जेट चिंगकाओ ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है। हाल ही में ताइवान ने 10 साल के इतिहास का सबसे बड़ा रक्षा बजट भी पेश कर दिया है कि भाई अब देखो, अब आर पार की लड़ाई लड़नी है तो पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे। जो इसीलिए ताइवान ने अब तक का सबसे बड़ा रक्षा बजट भी पेश कर दिया है। अब रक्षा बजट भी पेश हो गया है, सैन्य अभ्यास भी हो रहे हैं। कहीं ना कहीं देखिए, हमेशा से चाइना की नीति है वो डायरेक्टली लड़ता नहीं है, वो केवल और केवल एग्रेशन दिखाता है दूसरे को। इंडिया के साथ में भी यही है कि इंडिया के वो अलग अलग क्षेत्र पे जाके कब्जा कर लेता है, फिर आप उससे लड़ते रहिए, उसके बाद वो उस क्षेत्र से हट जाता है। इसे हम कहते हैं एग्रेशन नीति। इससे किसी भी देश पर जो है दबाव बनाने का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, और चाइना हमेशा से इसी तरीके से करता आया है, क्योंकि चाइना नहीं चाहता है वो किसी तरीके वॉर में पड़े, युद्ध में पड़े, डायरेक्टली युद्ध में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता है, बल्कि इसी तरीके से गोरिल्ला युद्ध प्रणाली या फिर छापा वाली युद्ध प्रणाली में बिलीव करता है। आगे चलते हैं। चीन नीति क्या है? एक चीन नीति का उद्भव हुआ था 1949 में, जिसका मतलब है कि पूरे विश्व में एक ही चीन है और ताइवान चीन का ही एक हिस्सा है। चीन की कूटनीतिक संबंध देशों से ताइवान से संबंध तोड़ने हैं। अब देखिए हुआ क्या है कि चीन ने
जितने भी देश थे सभी से एक बात कह दी है कि अगर आप ताइवान का साथ देंगे तो हम आपके खिलाफ हो जाएंगे, मतलब अगर आप ताइवान के साथ संबंध रखते हैं तो फिर चाइना के साथ संबंध आप नहीं रख सकते, और अगर आप चाइना के साथ संबंध रखते हैं तो आपको ताइवान से अपने संबंध तोड़ने पड़ेंगे। सेम टू सेम वैसा ही है जैसा अभी अमेरिका कर रहा है बाकी देशों के साथ में। ओके, इस नीति के तहत अधिकांश देशों के औपचारिक संबंध ताइवान की बजाय चीन के साथ में, और इस नीति के तहत बहुत सारे लोग इससे डर भी गए हैं क्योंकि चाइना काफी काफी ज्यादा बड़ा एक देश है, काफी प्रोग्रेसिव देश है, और ऐसे देश के साथ में कोई भी लड़ाई नहीं करना चाहेगा, तो बहुत सारे देशों ने ताइवान की बजाय चीन का पक्ष लिया है। आगे चलते हैं, ताइवान की बात कर लेते हैं। तो ताइवान की राजधानी जो है वो ताइपे है, यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है साई इंग वेन, और क्षेत्रफल लगभग कितना है 36,197 किलोमीटर स्क्वायर, यहाँ की जो मुद्रा है वो है ताइवान डॉलर। तो ये थी वो न्यूज जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, और खासकर चीन जैसे देश के देश को सबक सिखाने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइएगा कि किस तरीके से चीन से निपटा जा सकता है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि चाइना मैन्युफैक्चरिंग में सबसे आगे है, ऐसा क्या ऐसा करता है चाइना कि मैन्युफैक्चरिंग में आज सबसे आगे है, वो भी मैं बताऊंगा किसी ना किसी सेशन में जरूर। एक और इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ, हाल ही के दिनों में भारत ने चाइना के 59 ऐप बैन किए हैं, मतलब सरकार ने इजाजत दी होगी भारत में इन्हें ऑपरेट होने के लिए, लेकिन आपको पता है कि चाइना ने कभी भी भारत के किसी भी ऐप को चाइना में ऑपरेट होने की कभी भी इजाजत दी ही नहीं है। इवन चाइना के आप बहुत सारे ऐसे देश हैं जो चाइना में किसी भी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली व्यापार नहीं कर सकते, लेकिन चाइना हर देश के साथ में व्यापार करता है, चाइना ने अपनी इकोनॉमी को क्लोज कर रखा है। तो आई होप कि आपको ये सेशन बढ़िया लगा होगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मेरा कोड ना भूलें, कोड क्या है योगेंद्र, ये इससे आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट हर मेरे कोर्सेज में, और ये जो है हमारा टेलीग्राम का लिंक है, जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे आप हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ जाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू और बाय बाय, देखते रहिए और बने रहिए करंट अफेयर इन 10 पर।